नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। बिना अनुमति के मॉल बनाने की तैयारी, जगदीश मार्केट नामक तोड़ी जा रही है बिल्डिंग, प्रशासन है बेखबर। जी हां, नगर के बीचों बीच हनुमान चौक पर नगर पालिका परिषद की बिना अनुमति लिए जगदीश मार्केट नामक भवन तोड़ा जा रहा है एवं नगर पालिका परिषद को जानकारी में लाए बगैर एक बड़ा शॉपिंग मॉल व कई दर्जन दुकान बनाने की तैयारी चल रही है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। साथ ही साथ मॉल बनाने के लिए निजी जमीन की आड़ में नाली की दिशा भी मोड़ दी गई है और भूमि का पुराप कर दिया गया है, जिसके कारण बाढ़ 15 में रहने वाले लोगों को वर्षा काल में अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने की संभावना रहेगी। गौरतलब है, इतना बड़ा निर्माण नगर में प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है और प्रशासन इस बात से बेखबर है। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। ये मामला है, ये हनुमान चौक पर जगदीश मार्केट की पक्की बिल्डिंग को अनुबंध करके खरीदने का और उसको अवैधानिक तरीके से तोड़ा जा रहा है आम रास्ता बनाने के लिए। इसके आम रास्ते से किन किन लोगों के स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं और वो उसकी जांच कराने के लिए ये आवेदन दिया गया है। नहीं, नगर पालिका द्वारा ना तो किसी मॉल के निर्माण की परमिशन दी गई है, ना किसी बिल्डिंग को गिराए जाने की परमिशन दी गई है।